चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जारी है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ही काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते, और आपके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला में आ रहे? सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है, कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। 19 के इलेक्शन के समय कई मुद्दे थे, जैसे उसके बाद एनआरसी था और राम मंदिर था, या इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस समय आपको क्या 2024 के प्रमुख मुद्दे जो सोकॉल्ड थर्ड फ्रंट के सामने क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में, बिना उसके सामाजिक